हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कानपुर से करीब 150 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं और अभी हैं इटावा में। अभी लिया है एक चाय का ब्रेक, मस्त बढ़िया गाड़ी से हम लोग निकल चुके हैं रोड ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा पे हम लोग आज हॉल्ट करेंगे ओवरनाइट और नेक्स्ट डे कल जो है बढ़िया सी जगह जाने का प्लान है। वो कहाँ जाएंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी मुद्दे की बात यह है कि हम लोगों ने चाय ऑर्डर कर दी और हम लोग घर का घरेलू खाना खाएंगे। अब गाड़ी से घर से पैक करके लाए हैं पूरी, कचौड़ी, आलू, सैंडविच, ये सब लाए हैं और खाएंगे। और चाय भी गाड़ी में आ जाएगी और गाड़ी में ही तोड़ेंगे खाना। यहाँ रुके थे मूत्र विसर्जन करने के लिए, मेन चीज़ तो अपना जी भर के कर लिए और अब चलेंगे यहाँ से फटाफट। डेढ़ तो हो ही रहा होगा, हाँ 1:15 बजे आए थे, 1:25 हो रहा है, तो फटाफट खा के इधर से निकलेंगे। ये हम लोग का लंच चल रहा है गाड़ी में, ये खाने वाले हैं सब और शेफ हमारा इधर बैठा हुआ है। ये शेफ है हमारा, ये लगा लगा के सबको देता जा रहा है जो चाहिए, पूरी, आलू, सैंडविच, एवरीथिंग इज अवेलेबल। खाता भी जा रहा है और चाय चाय के साथ चीयर्स हो रहा है। जब लास्ट टाइम हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे ना, तब भी पहले ही स्टॉप किसी ढाबे पे लिया था, बस स्टॉप। तो ये डेजा वो हो रहा है, लास्ट टाइम हम लोग ने गाड़ी वहाँ लगाई थी और इस बार हम लोग गाड़ी इस गेट के सामने लगाई है, लास्ट टाइम उस गेट के सामने लगाई थी। और बाकी प्रोसीजर सेम है, चाय यहाँ से लेते हैं और अपना खाना खाते हैं। तो अब जब हम लोग जब मिलेंगे आपसे तब मिलेंगे, आगे जब भी हॉट लेंगे तो दोबारा अपना जो समाचार है आप तक पहुँचाएँगे जो भी चल रहा है। फिलहाल तो स्पीड सही है, 5:30-6 तक अगर ग्रेटर नोएडा टच कर जाएं तो एक बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। सेकंड ब्रेक और हम लोग बीकानेर वाला भी रुके थे और सोडा लिया है। और अब हम लोग, समय हो रहा है 4:30 बजे, कितना बजे? 4:41 है अभी टाइम और हम लोग अपने होटल से 130 किलोमीटर पीछे है। तो एकदम मस्त है, अभी तक ट्रिप बहुत स्मूथ जा रहा है। तुम बताओ सही जा रहा है कि नहीं है? एकदम मक्खन रोड है, सॉर्टेड है, एकदम लग भी नहीं रहा, थकान भी नहीं हुआ एकदम, थकान नहीं हो रही है, पॉइंट यही है बस। अब मैं, तुम बताओ How are you feeling? बहुत अच्छा लग रहा है। हाय व्यूअर्स, व्यूअर्स को बताएं ये सुसु है। चुके हैं, शाम का 7:15 बज रहा है, 6:30 बजे करीब हम लोग पहुंच गए थे। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, स्मूथ था, हाईवे तो एकदम मस्त है यमुना एक्सप्रेस वे। तो अभी पहुंच गए हैं, हमने सामान वगैरह सेट कर लिया है और चूंकि कल सुबह सुबह निकलना है तो ज़्यादा सामान खोल नहीं रहे हैं, बस सिर्फ ज़रूरत का सामान गाड़ी से निकाला है। और सबसे अच्छी बात इस होटल की है कि पार्किंग यहाँ पर ज़बरदस्त है, मस्त कैंपस बना हुआ है, उसके अंदर शेड है, गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है। और प्लान अभी खाना खाने का है रात का, डिनर के लिए हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाके कुछ ढूंढेंगे और कुछ अच्छा खाएंगे। अपना कमरा आपको दिखाते हैं अभी। तो रूम के अंदर घुसते ही आपको मिल जाता है वॉशरूम, एकदम छोटा सा, नन्हा सा। ये वॉशिंग, ये नहाने वाला एरिया है, ये ज़रूरी काम के लिए एरिया है। और बाहर ये छोटी सी रैक दी हुई है, यहाँ पर हमने सामान अपना बैग सेट कर दिया है। ये है रूम, ये अपना बेड है, कॉम्पैक्ट एकदम। ये चेयर टेबल दिया हुआ है, थोड़ा अपना कूड़ा वगैरह फैला हुआ है उसको इग्नोर करें। और ये है टीवी, टीवी दिया रखा है इधर, ये विंडो है, ये खुलता है तो बाहर का व्यू दिखता है। ऐसा कुछ व्यू है नहीं, रात हो रही है अभी।
चर चर करके कुछ नहीं है, बाहर का ट्रैफिक देख सकते हैं आप, यहाँ पे सोते सोते लेटे लेटे। और अभी हम लोग कहाँ चलेंगे? अभी हम लोग ग्रैंड वेनिस मॉल जाएंगे। अभी मॉल के अंदर आ गए हैं और चेकआउट कर रहे थे, मॉल को देख रहे थे, बहुत सुंदर बनाया, पूरा इटली की थीम पर बना हुआ है ये। गंडोला राइड भी है, हाँ ये गंडोला है, ये पानी है, हम लोग राइड भी कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने गंडोला राइड का पता किया, तो 4000 रुपये की शॉपिंग करो तब आपको गंडोला राइड मिलेगी। और तब तक हम लोग प्लान कर रहे थे, यहाँ बेकरी पीछे है हमारे, इस बेकरी पे जा करके हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और ये वाला पानी को देखते देखते कॉफ़ी पीते हैं। और बढ़िया बनाया यार पूरा जो मॉल है, व्यू कितना अच्छा है, इटालियन थीम पे बना हुआ है, तो सही है, पीते हैं फिर चलते हैं। तो अभी हम लोग खाना खा करके मॉल से आ चुके हैं, रात का 10:15 हो रहा है और थक काफ़ी ज़्यादा गए हैं क्योंकि आज ड्राइविंग बहुत सारी हो गई, 450 किलोमीटर आज ड्राइव करा कम से कम, और थक गए। और सुबह कल जल्दी देहरादून निकलने का प्लान है, यहाँ से प्लान है कि सुबह 8 बजे निकलेंगे ताकि वहाँ पर करीब 1-1.30 बजे पहुँचें, और टाइमली पहुंच जाएंगे तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा घूमने का क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को कहीं और भी जाना है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं, जहां पसंद आ गया तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बाय।